चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और आरोपों में उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बड़ा पलटवार किया। और इस बीच आपको सुनवाते हैं किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए। और ये बस्तर इतना शांत है, नारायणपुर इतना शांत है, उसको अशांत करने की जवाबदारी कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया। पहले दिन की घटना में जब ईसाई मिशनरी के बाहर से आए हुए लोग जब आक्रमण कर रहे थे, घर में जाकर घर जला रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उस समय यदि उनमें से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यदि अरेस्ट कर लिया जाता, उनके ऊपर यदि कार्रवाई हो जाती, तो ये घटना का स्वरूप नहीं बढ़ता। धर्मांतरण के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज सरकार प्रायोजित आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहा है। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट, जिसका बेस आरक्षण का बेस क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से वो क्यों डर रहे? क्योंकि वो रिपोर्ट फर्जी है, वो रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है। और इसलिए बार बार हमने विधानसभा में जब ये विधेयक लाया गया था, हमने सर्वसम्मति से पारित किया, तब भी हमने कहा था कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट जो आपने कारण उद्देश्यों में रखी है उसको प्रस्तुत करें। परंतु उन्होंने ना विधानसभा में प्रस्तुत किया, ना राज्यपाल जी को प्रस्तुत किया, ना हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया, ना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। कांग्रेस आरक्षण देना नहीं चाहती, खाली वो आरक्षण पर राजनीति करना चाहती है। मैं तो कहूंगा कि चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, कांग्रेस के इस खेल को समझने की जरूरत है। और विधानसभा में वो चर्चा नहीं करना चाहती। और जब हम चर्चा की बात करते हैं तो कांग्रेस के सत्ता पार्टी के लोग ही विधानसभा को व्यवधानित करें और अध्यक्ष जी को बार बार खड़ा होना पड़े, ये दुर्भाग्यजनक है। हम तो चाहेंगे कि जनता अब आने वाले 2023 के चुनाव में जो आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में आग लगाने का काम, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है, इसका बदला लेगी। प्रतिपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी मौजूद थे, नारायणपुर जिले की घटना के बारे में माननीय गृह मंत्री जी शो मोटो स्टेटमेंट भी देना चाहते थे, घटना की जानकारी सदन को हो जाए, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तत्पर थे, किंतु केवल हंगामा करने के लिए प्रतिपक्ष ने वो मुद्दा उठाया था। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का बयान उनको आने